हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बालाकोट, पाकिस्तान में भारतीय हवाई हमले की फेक फोटो हुई वायरल। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जा रही है कि पहली बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला किया है। सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर ऐसी तस्वीरें शेयर की जा रही है जिनमें कथित तौर पर पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत की ओर से पाकिस्तान में किए गए हवाई हमले को दिखाया गया है। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने पुष्टि की है कि मंगलवार तड़के भारत ने एक अभियान चलाकर चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तान में बालाकोट स्थित सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। राहुल गांधी, ममता बैनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने हवाई हमले के लिए भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। विजय गोखले ने हमले से संबंधित कोई तस्वीर जारी नहीं की, लेकिन दक्षिणपंथी रुझान वाले कई सोशल मीडिया पन्नों से तस्वीरें जारी करते हुए ये दावा किया गया कि ये तस्वीरें हवाई हमले की तस्वीरें हैं। फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ये तस्वीरें हजारों दफा शेयर की गई है। हालांकि साझा की जा रही तस्वीरों का हवाई हमले से कोई संबंध नहीं है। तस्वीर पहला, एक तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जा रही है कि ये जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर का कंट्रोल रूम और 3 ट्रेनिंग कैंप है। इसी महीने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इस तस्वीर के कैप्शन में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना का पहली बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया गया था। वायरल हुई ये तस्वीर फरवरी में राजस्थान के पोखरण में हुई भारतीय वायुसेना के बड़े अभ्यास वायु शक्ति 2019 या एयर पावर के दौरान ली गई थी। ये तस्वीर एसोसिएट प्रेस यानी एपी के अजित सोलंकी ने ली थी। तस्वीर दूसरी, एक दूसरी तस्वीर को पुलवामा के बदले के सबूत के तौर पर शेयर किया जा रहा है। इसमें एक विमान को बम गिराते दिखाया गया है। हालांकि इस तस्वीर का भारत या पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। ये तस्वीर साल 2014 में भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। तब ये दावा किया गया था कि ये तस्वीर गजा में इजराइल के हमले ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के दौरान ली गई थी। हालांकि ये एक काल्पनिक तस्वीर है। इसे रोम के पत्रकार डेविड सिनिसियोटी के ब्लॉग द एविएशनिस्ट के लिए खास तौर पर बनाया गया था। ये तस्वीर 2012 में तैयार की गई थी। इसमें बताया गया था कि F-15 के जरिए तेहरान स्थित एक परमाणु संयंत्र पर हमला किया जाए तो कैसा दृश्य होगा। तीसरी तस्वीर एक सैटेलाइट इमेज है। इसका कैप्शन है, नई कब्रगाह के लिए पाकिस्तान को बधाई। शेयर की जा रही ये तस्वीर अप्रैल 2018 की है। ये तस्वीर सीरिया के हिम शिनशार केमिकल वेपन स्टोरेज साइट पर अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के मिसाइल हमले से हुई नुकसान के शुरुआती आकलन को दिखाती है। इस तस्वीर का श्रेय एसोसिएट प्रेस यानी एपी को दिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के मुताबिक उनकी वायुसेना और नौसेना ने सीरिया के 3 प्रमुख साइटों को निशाना बनाते हुए 105 मिसाइलें दागी। ये कथित तौर पर सीरिया के रासायनिक हथियारों के ढांचे के खिलाफ कार्रवाई थी। हवाई हमले की एक और तस्वीर बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। ये तस्वीर बीते हफ्ते भारतीय वायुसेना के पोखरण में हुए अभ्यास के दौरान ली गई थी। यह अभ्यास 14 फरवरी 2019 को भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले के 2 दिन बाद हुआ। ये तस्वीर रॉयटर्स के अमित दवे ने ली है। ऐसी खबरें, वीडियो, तस्वीरें या दावे आपके पास भी आते हैं जिन पर आपको शक है, तो उनकी सत्यता जांचने के लिए आप 9811520111 पर व्हाट्सएप पर उन्हें बीबीसी न्यूज को भेजे या यहाँ क्लिक करें। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।